बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिया के संग एक बहुत ही जबरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ। और जो वीडियो का टॉपिक है वो है विंटर क्लॉथ केयर। ऐसे कौन से हैक्स हैं, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसकी वजह से हम सर्दियों के कपड़ों की केयर कर सकते हैं, कौन सी टिप्स का मद्देनजर रख सकते हैं जिसकी वजह से हम उन कपड़ों को लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं टिप नंबर 1 पे। कपड़ों को कलर वाइज जो है सेपरेट कर लीजिए, 1, 2, 3 पाइल्स जो है बना लीजिए, की वजह से जो है एक दूसरे के ऊपर जो फैब्रिक का कलर होता है ना तो वो नहीं चढ़ेगा। हम अक्सर करते हैं कि जो डार्क फैब्रिक के कपड़े बाज को लाइट में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये क्या हो गया, कलर चढ़ गया। पहले से रैंकिंग कर लेनी चाहिए। और जो डार्क, लाइट और वाइट कपड़े हैं, हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कपड़ों को वॉश करना चाहिए। ये होगा कि आपके जो कपड़े होंगे व्हाइट कलर के, डार्क कलर के, लाइट कलर के, बिल्कुल ही जबरदस्त किस्म के रहेंगे। कोई कलर इनका खराब नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर धब्बा नहीं आएगा। और बास कलर तो स्टेन्स ऐसे भी होते हैं कि वो रिमूव भी नहीं हो सकते जी। तो सेकंड टिप जो है, व्हीकल वॉशर साइकिल के हवाले से बात करते चलें, तो हमारी आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ रही है, ट्विन टब की भी मशीन आती हैं, तो उसमें भी काफी ऑप्शन होती हैं, डेलीकेट, डीप क्लीन, हैवी लोड, लाइट लोड। तो उसकी ऑप्शन को मद्देनजर रख के हमें मशीन में कपड़े वॉश करने चाहिए। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ठंडा पानी इस्तेमाल करें, और स्पेशली विंटर क्लॉथ के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम गर्म पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जो उसका फैब्रिक होता है ना तो वो खराब हो सकता है। अगर आपने विंटर क्लॉथ को हैंड वॉश करना है तो उसके नीटेड गारमेंट्स होते हैं, जो ऊनी स्वेटर्स होते हैं, बुने हुए स्वेटर्स होते हैं, तो आपने उसके लिए लुक वार्म वाटर लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का गर्म पानी नहीं लेना। इसके अलावा कोई सा भी बेबी शैम्पू ले लीजिए और पानी में डिजोल्व कर लीजिए, अच्छे से हिला लीजिए कि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद जो है फोल्डेड स्वेटर को लेके उसमें 30 मिनट्स तक सोक कर दीजिए। सोक कर लेंगे ना तो आपने ये नहीं करना कि अच्छी तरह नचोड़ नचोड़ के जी हमने पानी निकालना है, ऐसा नहीं करना। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ना आपने उसे स्क्वीज करना है पानी को। इसके बाद किसी भी टॉवल के ऊपर, कॉटन क्लॉथ के ऊपर जो पानी जज़ब कर सके वूल का, उस पर अपने स्वेटर को बिछा देना है। और उसके बाद क्या करना है ताकि वो अपनी रीशेप में आ सके, चाहना है कि उसकी शेप खराब ना हो, और उसके बाद आपने एयर ड्राई कर देना है। हैंड वॉश में एक कैटेगरी और आती है जो कि वूल और कैशमीरी स्वेटर्स की होती है। वो आपने पानी का बाउल लेना है, विनीगर लेना है और टॉवल लेना है। सबसे पहले आपने टब को लुक वार्म वाटर से जो है भर लेना है। इसके अलावा विनीगर लेना, विनीगर ये नहीं करना कि आपने पूरी बॉटल डाल देनी है, पूरे टब में आप सिर्फ 2 कैप्स जो होती हैं विनीगर बॉटल की वो डाल दें, लाइक मैं कहूँगी कि 3 स्पून डाल दें। उसके बाद 25 मिनट्स के लिए गारमेंट को सोक कर दें। उसके बाद आपने नचोड़ना इसको भी नहीं है, क्योंकि किसी भी स्वेटर को जो आप छोड़ोगे ना, जो उसके वूल का फैब्रिक होगा ना वो खराब हो जाएगा। इसके बाद आपने कोई से भी रफ टॉवल्स हो गए, कपड़े हो गए, उसमें आपने इसी तरह से पुट आउट करके और स्वेटर को उसे रीशेप कर देना है। स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना फैब्रिक को। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो स्वेटर होगा वो उसी शेप में रहेगा, और एयर ड्राई कर लेना है। थर्ड टिप जो मैं देती चलूँ वो ये है कि हमेशा कोल्ड वाटर इस्तेमाल करें, और माइल्ड वार्म वाटर जिसे लुक वार्म वाटर कहते हैं, टैप वाटर हो तो बेस्ट है, क्योंकि इससे जो है फैब्रिक का टेक्सचर, फैब्रिक का जो असल कलर होता है, ओरिजिनल कलर होता है, वो ख़राब नहीं होता और कपड़े एज़ इट इज़ गुड रहते हैं। इसके अलावा 4 टिप मैं देती चलूँ कि वूल क्लॉथ को, ऐसे फैब्रिक है ऊनी कपड़े जिन्हें कहा जाता है, उन्हें प्लीज़ स्पिन आउट और ड्राई मत कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके कपड़े जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। कपड़ों को कभी भी स्पिनर ड्रायर में मत डालें, इन्हें एयर ड्रायर होने दें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने स्वेटर को इस तरह मशीन में डाला था, स्पिन आउट किया था 3 to 4 मिनट्स, और उसके बाद जो मेरा स्वेटर था वो बिल्कुल बच्चे का स्वेटर रह गया था। तो ये टिप हमेशा याद रखिए, नेवर ड्राई, नेवर स्पिन और नेवर हैंग योर वूल क्लॉथ। यस, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, कपड़ों को हैंग आउट मत कीजिए। आप जब वूल स्वेटर्स को हैंग करेंगे, कोट्स को हैंग करेंगे, वो लटक जाएंगे, स्ट्रेच आउट हो जाएंगे और अपने उस शेप में, ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगे। अच्छा जी, टिप नंबर 6 की तरफ आते हैं, डोंट आयरन वूल फैब्रिक। हाँ जी, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये होता है वो स्वेटर जो है स्ट्रेच आउट हो जाता है। सर्दियों में अक्सर ये मसला रहता है कि स्वेटर्स हल्के से गीले होते हैं और हम फटाफट उन्हें जो है ना आयरन करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी असल हालत में नहीं रहते। तो कोशिश करें, अगर आपको कभी ज़रूरत भी पड़ जाए आयरन करने के लिए, तो उसके ऊपर कोई कॉटन फैब्रिक, थिन फैब्रिक की लेयर करके लाइट हीट पर आप प्रेस कर सकते हैं।
जी तो टिप नंबर 7 ये है कि हमेशा स्वेटर में भी आपके आर्टिकल्स हैं उनके केयर इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ा करें। ये जो टैग्स होते हैं इन पे मेंशन होता है कि किसको आपने हैंड वॉश करना है, मशीन वॉश करना है, कितने आपने कोल्ड वाटर से करना है, वार्म वाटर से करना है, स्ट्रेच आउट कपड़ा होगा नहीं होगा, इसके सारे इंस्ट्रक्शन होती है। तो लाजमी इनको पढ़ा करें ताकि जो है आप इजीली अपने फैब्रिक को अपने विंटर क्लॉथ केयर कर सकें। टिप नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अपने कपड़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए, आइदर वो ड्राई क्लीन होने हैं, होम क्लीन होने हैं या मशीन वॉश होने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 3 कैटेगरीज बना लीजिए। इसी तरह जो आपके हैंड वॉश का साइकिल है, आपने हैंड वॉश कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से मैं बता देती हूँ कि आपने एक टब में लुक वार्म वाटर लेके, कोल्ड वाटर लेके, उसमें आपने स्वेटर को 20-30 मिनट्स डिप कर देना है, उसे निचोड़ना नहीं है। सॉफ्ट हैंड के ज़रिए उसे आहिस्ता आहिस्ता से दबाना है। इसके अलावा आप जब पानी स्ट्रेन करने लगें तो स्वेटर के आगे हाथ रख लें ताकि स्वेटर ही ना वो ज़मीन पे गिर जाए या आप धो रहे हैं। इस तरह आप 2-3 मरतबा जो है स्वेटर का इस तरह से पानी निकालिए, उसे एकदम जिस तरह नथार नथार के धोना होता है ना, खेंच खेंच के, उस तरह से मत धोएं, उस स्वेटर को नचोड़े मत, इससे क्या होगा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। जी तो हमेशा की तरह ये टिप मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी दी थी कि स्वेटर्स को आप एयर ड्राई करें। जितने भी वूल क्लॉथ होते हैं, विंटर के मोटे कपड़े होते हैं जो आपको लगे कि ये श्रिंक हो जाएंगे, आप टॉवल बिछा के स्वेटर को जितना आपकी लेंथ है उसके मुताबिक रख के, या तो 2 टॉवल्स ले लीजिए ऊपर नीचे जो रैप करके आप बिछा के उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं पानी को। इससे क्या होगा स्वेटर का जो टेक्स्चर है वो ख़राब नहीं होगा, ना उसकी शेप ख़राब होगी, एज इट इज़ वो शेप में रहेंगे। इस तरह से बिछा के जब आप करते हैं ना तो इसे नुचड़ता नहीं है बल्कि पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, और तकरीबन 40-50% स्वेटर जो है वो सूख जाता है। उसके बाद आप सनलाइट में और अपने किसी भी जगह पे वही वाला टॉवल बिछा के आप एयर ड्राई इजीली कर सकते हैं, इससे भी आपका स्वेटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। टिप नंबर 10 ये है कि बहुत सारे फैब्रिक शेवर आते हैं, निपल रिमूवर आते हैं, यानी कहने का मकसद ये है कि जब स्वेटर पे भूड़ आ जाती है तो बहुत सारी पिल मशीन्स मिलती हैं, एबल भी होती हैं, नॉन चार्जेबल भी होती हैं, तो जब वो मशीन इजी टू हैंडल होती हैं, हैंडी मशीन्स होती हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो भूड़ चली जाएगी, और ये है कि आपका जो गारमेंट है, फैब्रिक है, वो एकदम न्यू लगेगा आपको।
जी तो टिप नंबर 12 ये है कि अपने कपड़े एंड ऑफ द सीजन वॉश करके रखिए, ये ना कीजिए कि मैंने स्वेटर एक दफ़ा पहना है तो यार कोई बात नहीं चलने दो नेक्स्ट सीजन धो लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं और वो इंसेक्ट जो है आपके कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा वॉशिंग का मैं ऑलरेडी आपको तरीका बता चुकी हूँ, चाहे आप हैंड वॉश करें चाहे आप मशीन वॉश करें इन साइकिल में करें, तो ये डिपेंड आप पे करता है किस तरह से आप वॉश करते हैं और अपने गारमेंट को अपने फैब्रिक को अपने क्लॉथ को न्यू रखते हैं। विंटर क्लॉथिंग है के बारे में बात करते चलें तो अपने कपड़ों को स्टोर कैसे कर सकते हैं कैसे रख सकते हैं, तो सबसे पहले तो किसी के बटन टूटे हुए हैं कहीं से फटा हुआ है तो आप उसको स्टिच कर लीजिए, और इवन ये जो स्टिचिंग है हम हवातीन की तो चलती ही रहती है। वॉश करने के बाद स्टिचिंग वगैरह करने के बाद आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि अगर हम वैसे कपड़े रखते हैं तो वो बहुत ही बेतरतीबे से लगते हैं और जगह भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं, तो उससे यही होगा। इस तरह से आप अच्छे से पैकअप करके बॉक्सेस में रख लीजिए, और जैकेट्स वगैरह को अगर आप इस तरह से पैक करेंगे इस तरीके से और ईजीली स्टोरेज के लिए रख सकते हैं। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm back. जी हैक नंबर 3, नेवर हैंग वूल फैब्रिक को कभी भी हैंग मत कीजिए। हैंग करने से स्वेटर्स जो होते हैं वो डी शेप हो जाते हैं, तो कभी भी अपने स्वेटर्स वूल क्लॉथ वूल फैब्रिक को हैंग मत कीजिए। इसके अलावा स्टोरेज के लिए स्टोरेज बैग्स मिलते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा करके स्टोरेज बैग्स में महफूज रख लीजिए। बहुत सारे कंटेनर्स भी मिलते हैं, अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है तो आप जो है स्टोरेज बैग्स में इजीली अपने कपड़ों को रीअरेंज करके जो है वो रख सकते हैं। जी तो विंटर क्लोथ स्टोरेज का एक सबसे बड़ा मसला होता है कि हम मौत से हम छोटे छोटे इंसेक्ट के जरिए और जो वाइट बेज होती हैं स्मॉल फिशेज जो होती हैं उनसे हम कैसे छुटकारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वेटर्स में होल्स ना हो सुराख ना हो, जिसकी वजह से हमारे कपड़े फैब्रिक वुलन फैब्रिक जो है वो डैमेज ना हो। तो उसके लिए भी चंद एक मैं टिप दूंगी, या तो आप फिनाइल टेबलेट्स ले लीजिए। जी हाँ, मौत बॉल्स जो हैं वो मार्केट से ईजीली मिल जाती हैं और आप तकरीबन एक पैक में एक कंटेनर में जो है तकरीबन 4 टेबलेट्स जो है डाल देंगे तो जबरदस्त रहेगा। इसके अलावा ड्राई लेवेंडर, ड्राई ब्लैक पेपर, ड्राई क्लॉव्स आप ले सकते हैं, आप सनलाइट में इन्हें ड्राई करके आप किसी भी कपड़े में या वैसे भी डाल सकते हैं। सिर्फ मौत बॉल्स जो होती हैं वो आपने प्लास्टिक के सील बैग में रखनी चाहिए ताकि कोई बच्चा जो है हाथ ना लगाए। इसके अलावा ड्राई नीम के पत्ते जो होते हैं हम अक्सर हवातीन जो है सूरज में सुखा के जो है वो भी अपने ट्रंकों में अपने कैबिनेट्स में डाल देती हैं, उसकी वजह से भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह पैदा नहीं होते। तो ये चंद एक टिप्स थी, चंद एक हैक्स थे जिसकी वजह से आप विंटर क्लॉथ केयर कर सकते हैं, और बहुत इजी टिप्स हैं। और आपको इसके लिए ये नहीं है कि आप भाग दौड़ के मार्केट जाएं और कहीं जी बहुत एक्सपेंसिव या साहिबा ने बता दिए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मैं आपके साथ वो वाली टिप्स शेयर करती हूँ जो बहुत ही ईजी हों, ईजी टू अवेलेबल हो, ईजी टू परचेज हो। तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही बिया के संग को इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी बेशुमार दुआओं में से एक दुआ बिया के संग के लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।